सो गाइज, मुझे वहाँ पे सेब दिख रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि तोड़ने की, लेकिन कोई आ ना जाए तो चलता हूँ तोड़ के दिखाता हूँ। बहुत ऊपर था यार, अगर मेरे पास कोई डंडा वगैरह होता ना मैं तोड़ देता। तो इस बार मैं ये लेके जाता हूँ और इस बार तो तोड़ के आऊँगा। आला कितना बचे कम से। एक सेब के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी ना, और सेब टूट नहीं रहा था, और टूटा तो खराब निकला, पोपट हो गया। सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो फिलहाल जो आपने देखा वो एक्चुअली मैंने किसी के बगीचे से सेब चुराया, क्योंकि हम डेली दौड़ने जाते हैं और डेली दिख रहा था और कोई तोड़ भी नहीं रहा था, तो हमने बोला हमसे वक्त, तो फिर आज तोड़ दिया हमने। तो फिर फिलहाल का सीन ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं रनिंग में, तो वर्कआउट वीडियो नहीं है, छोड़ के मत जाना, वर्कआउट वीडियो नहीं है, एक व्लॉग है जो आप देखते रहना, आगे आगे जैसा बनता रहेगा वैसे दिखाऊंगा ना। अब पता तो है नहीं मुझे मैं क्या करूँगा, तो फिर जुड़े रहना। तो चलो ग्रेट सक्सेस। सो गाइस, दौड़ दौड़ के हो गई है हालत ख़राब। एक्चुअली हम जब गांव गए ना तो गांव में हमने बिल्कुल वर्कआउट नहीं किया, तो जिसकी वजह से और उल्टा सीधा कहीं खाया, तो स्टेमिना पूरा डाउन हो रखा है। और उस घर की लोकेशन इतनी प्यारी लगती है ना मेरे को, मैं दिखाता हूँ। सो गाइस, मैं उस घर की बात कर रहा था जो आपको वो ऊपर दिख रहा है ना, वो वाले घर की बात कर रहा हूँ। देखो बीच में अकेला घर है, चारों तरफ दूर दूर है, मतलब उतने पास में नहीं, और चारों तरफ खेती खेत। सो गाइज, आपने अभी जो इतने सारे लोग देखे, ये सारे बच्चे हैं जो भर्ती की तैयारी करते हैं। उत्तराखंड में भर्ती का बहुत क्रेज है बॉस, यहाँ पे हर एक घर छोड़ के आपको फौजी मिलेगा, हर एक घर छोड़ के। यहाँ पे हर बंदा 12th के पास एक बार भर्ती की ट्राई तो करता ही करता है। मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा तो पाँव पहले से थोड़ा लिगामेंट प्रॉब्लम है ना, तो आर्मी में इशू पड़ जाता है इसलिए तभी। क्या नारा है क्या नाम है यार? तो मैं भागते भागते एक और परियों की ताल मिली है। पानी बहुत गंदा है पर यहाँ पे परियां नहीं है, परियों के बच्चे हैं जो मेढक का रूप लेके तैर रहे हैं। तो ये देखो कितने सारे हैं यार। बियर गिल्स को फोन लगाना पड़ेगा, उसकी तो बढ़िया दावत होगी। ये हमारी लोकेशन वो है, वो वहां ऊपर जाना है, पर अभी रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको कितना उल्टा जा रहा है। ये यहाँ से ऐसे ऐसे वो उधर साइड पहाड़ से ऐसे जाएगा, और वहां पहुंचने तक हमें लग जाएंगे 2 घंटे। यहाँ से नीचे सीधे आइए, ऐसे चलते हैं, है ना भाई? कैसे जाएंगे? यहाँ पे वो तो खेत में बोया नहीं होगा उन्होंने, यहाँ से नहीं दिख रहा, वैसे लेवल में तो बोया होगा यार। यहाँ से वहां तक जा सकते हैं, वहां से ऐसे देख लेंगे खेत में कौन होगा। तो चले खेती खेती है, देखो रास्ता ये लोकेशन में, तो ट्राई कर लेते हैं, जान से तो क्या ही मारेंगे, एक दो डंडे मारेंगे तो फिर रिकॉर्ड नहीं करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो, ये वाला है आज का हमारा ट्रैक। एक्चुअली क्या है ना, हम लोकेशन बदलते रहते हैं, लोकेशन बदलने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो एक्साइटमेंट बनी रहती है कि नई जगह जा रहे हैं, और दौड़ा भी जाता है, फिर थकान भी नहीं लगती। अब डेली एक ही जगह जाओगे बोर। सो गाइस, चलते चलते हम पहुंच गए एक नदी के किनारे। नदी नहीं है ये, मतलब क्या कह सकते हो, नाला कह सकते हो, थोड़ा पतला ही है। तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहले इसको पार करना है, और इस तरफ को तो पूरा जंगल ही जंगल है, तो सांप सूप भी हो सकते हैं। गांव में दिखा था मुझे सांप, मेरी ऐसी हालत ख़राब हो गई थी ना, मैं किसी जानवर से मुझे उतना डर नहीं लगता जितना सांप से लगता है। और जो सांप के बाहर की स्किन होती है ना, उसको देख के तो और ज़्यादा ही फटती है। उस आदमी ने पार कर लिया, देखिए वो चोर, ये कहाँ से क्या बे?
अगर पांव फिसला तो गए हम। तो पुल का रास्ता कैंसिल क्योंकि डंडा बहुत पतला है। हाँ, तो फाइनली हमने भी पार कर लिया, ग्रेट सक्सेस। अब कई लोग बोलेंगे फ्लाइंग बीस्ट का है, अब तो क्या ग्रेट सक्सेस तो सब बोल सकते हैं, ठीक है, ग्रेट सक्सेस। पूरे जूते गीले हो गए। सो गाइस, सीन ये हुआ है, यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक उधर पे है, एक इधर पे है। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा हम किस रास्ते जाएं और कहाँ पहुँचेंगे। अगर गलत रास्ते गए तो बहुत लंबा पड़ जाने वाला है, तो इसलिए हम फ़ोन को फेंकेंगे, कैमरे वाली साइड जिस तरफ आई उस रास्ते से जाएंगे। अबे कहाँ जा रहा है, पहले इधर से फेंकेंगे, कैमरे का जो साइड है जिस तरफ आएगी उस रास्ते से जाएंगे, ठीक है। तो कैमरा मैं ऑन ही रखता हूँ, ऐसे ही देखना। अबे तो पीछे को आई, वापस जाने को बोल रहे हैं। और यार डेली व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है। जो लोग भी सोचते हैं ना व्लॉगिंग बहुत आसान है, भाई व्लॉगिंग सबसे कठिन होती है। एक तो तुम्हें बार बार सोचना पड़ता है क्या बोलें क्या बोलें। अब तो फिलहाल थोड़ी बहुत मुझे आदत हो गई है तो थोड़ा हो जाता है। शुरुआत के एक दो महीने तो ऐसा लगता है क्या बोले क्या बोले, घर में रात को ऐसे दिमाग में चल रहा होता है अगले दिन व्लॉग बनाने ना, अगर यार कल क्या बोलूँगा क्या बोलूँगा, ऐसा होता है। तो और डेली व्लॉग बनाओ, ऊपर से डेली एडिट करो, और ऊपर से फिर व्यूज़ देखते रहो, पूरा दिन निकल गया, ऐसा होता है व्लॉगिंग में। तो और बाकी चीज़ों में हफ्ते में एक वीडियो भी डाल दो काफ़ी है, जैसे रोस्टिंग वगैरह हो गया, हफ्ते में एक वीडियो डाल दी और फिर उसके बाद बढ़िया करके बैठे रहो अगले महीने, एक हफ्ते का कंटेंट बनाओ। ये नहीं कह रहा वो भी आसान है, वो भी कठिन है, पर मुझे व्लॉगिंग बहुत कठिन लगा और अपने बस का कुछ और था नहीं, इसलिए व्लॉगिंग शुरू करी है। और अब तो मज़ा भी आने लग गया है। ऐसा बोला था कि यहाँ से ऊपर को पक्का खेतों में बोया होगा, अब यहाँ से जाएंगे कोई देखेगा गाली करेगा, गाली तो जो भी करता मारे ना। सो गाइज, हम चलते तो रह रहे हैं, चलते चलते पहुंच गए हैं लगभग पहाड़ के काफी पास, पर वो वाली रोड दिख रही है वो कैमरे में तो थोड़ा दूर लग रहा है, पर उतना दूर है नहीं, यहाँ से 400 मीटर होगा फिर हम अपनी मंजिल में पहुँच जाएंगे। पूरे जूतों के अंदर पानी भर गया है, गज गज गट टाइप की हो रही है। छे आज ही धो के पहने थे मैंने शूज़, पहले तो सेब तोड़ने के चक्कर में पूरा कीचड़ लग गया, पर जब धुले तो इतने ज़्यादा धुल गए कि पूरा पानी पानी हो गया। तो सामने का व्यू दिखा दो, इतना सेक्सी। सो गाइस, यहाँ पे लोगों के खेत हैं और ऊपर है गांव, तो लोग दिख रहे हैं। इससे पहले देखे भाग के पार कर लो, भागो भाग, ये देखो जल्दी आ बे, इससे पहले कोई पकड़े, भागो। रास्ते में पहुंच गए, थकान हो गई, क्यों आया मैं, मेरा मुंह तो निकल गई मेरा मुंह तो निकल गई। मेरे हिसाब से यहाँ पे लोग पार्टी वगैरह करने भी आते हैं, चूल्हा वगैरह बना रखा है, चूल्हा मतलब जिसमें खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो पत्थर वगैरह जोड़ के बीच में लकड़ियाँ डाल के बनाते हैं, तो यहाँ पे शायद पार्टी वगैरह करने भी आ रखे हैं लोग। फिलहाल अभी हमें जाना है अब घर को, तो पहले हम करेंगे उस गांव में एंटर, फिर वहां से निकलेगा हमारे घर के लिए रास्ता। चलो चलते हैं। सो गाइस, चलते चलते मुझे कुछ दिखा है, ये देखो इसमें छोटे छोटे लाल लाल कुछ लगे हैं इस टाइप के, तो पर मुझे नाम नहीं पता है, किसी को पता है तो बता देना अगर इन्हें खा सकते हैं तो, पर अभी नहीं खा रहे हम, मतलब कमेंट में बता देना अगर किसी को पता है इसका नाम क्या है। और दिखा दो कितने लाल लाल उड़ गए, ये देखो
तो अगर किसी को इसका नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो फिलहाल तो हम खा नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक वीडियो आएगी तो तब तक तो हम घर में होंगे आराम से। तो अभी खा लेंगे, पता चला यहीं लुढ़के रहे तो फिर मज़ा नहीं आता ना। तो फिर चलो आगे चलते हैं। बस यहाँ पे रास्ता ख़त्म हो चुका है, अब हमें मारनी पड़ेगी यहाँ से छलांग। तो मारते हैं छलांग, फ़ोन गिरना मत भाई। सो गाइस, हम फाइनली गांव में इंटर कर चुके हैं। वो रहा गांव, और आपको हल्की हल्की पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, पानी की, कीड़े वगैरह, चिड़िया, बहुत ही मतलब सुकून भरी आवाज़ है। कैमरे में उतने अच्छे से आ नहीं रही होगी, पर हम फील कर सकते हैं। तो फिलहाल अब चलते हैं, अब टाइम लैप्स लेता हूँ और सीधा घर में मिलता हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने घर। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।